तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्निशियन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने एक चश्मा लगा रखा है और काफ़ी ठीक ठाक ही लग रहा है ये चश्मा। लेकिन ये एक चमत्कारी चश्मा आप इसे बोल सकते हो, एक जादुई चश्मा आप इसे बोल सकते हो, एक स्पाई चश्मा इसे आप बोल सकते हो, एक जासूसी चश्मा आप इसे बोल सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस चश्मे के अंदर लगा हुआ है एक स्पाई कैमरा, यानी छुपा हुआ कैमरा इसके अंदर लगा हुआ है और आप इससे कर सकते हो किसी की भी रिकॉर्डिंग। इससे आप किसी की भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कोई आपसे रिश्वत मांग रहा है उसकी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, किसी का स्टिंग ऑपरेशन कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इस चश्मे के बारे में हम बात करेंगे, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, क्या है इसके फीचर्स और क्या है इसकी खूबियां, क्या है इसकी कमियां, इन सब के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो इस तरह से ये पैकेट इसका आया हुआ है, ऐसी पैकेजिंग में ये आता है। ये मैंने ओपन कर लिया है, तो मैं आपको बता देता हूं इसके फीचर्स और क्या क्या इसके साथ आता है। इसके बारे में सारी डिटेल मैं आपको बता देता हूं और साथ ही साथ मैं कुछ रिकॉर्डिंग करके भी आपको दिखाऊंगा। जो मैं इससे रिकॉर्डिंग करूंगा वो आपको कुछ फुटेज दिखाऊंगा, जिससे आप अंदाजा लगा पाओगे कि इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है, इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो कैसी है, या फिर इसकी जो वॉइस क्वालिटी है वो कैसी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1080 पिक्सल, यानी पूरी तरह से हाई डेफिनेशन कैमरा है ये। यहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, वो आपकी समझ में नहीं आएगा, मेरी ही समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल इसकी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ इसके सारे फीचर्स दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, प्रोडक्ट साइज 160x140x40mm फोल्डेड, फिजिकल वेट 35 ग्राम, रीड एंड राइट स्पीड 1.5 Mbps to 60 Mbps, USB 2.0 हाई स्पीड पावर सप्लाई, एम्बेडेड 280 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी यहाँ मिल जाती है, पावर ड्यूरेशन 1 to 2 आवर्स और पावर अडाप्टर 5V DC 500 mAh, पावर कंजप्शन लेस देन 0.8 वॉट। और मेमोरी की बात करें तो ये 32GB SD कार्ड माइक्रो SD कार्ड को सपोर्ट करता है। 32GB तक का कोई भी माइक्रो SD कार्ड आप इसमें लगा सकते हैं। और रेजोल्यूशन की बात करें तो 1280x720 x 920 x 1080, यानी पूरी तरह से हाई डेफिनेशन कैमरा है ये। यहाँ पर वीडियो फॉर्मेट की बात करें तो वीडियो फॉर्मेट AVI है, ऑडियो स्टीरियो साउंड है। और इसके जो लेंस स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 5 MP CMOS कैमरा लगा हुआ है इसमें। रिकॉर्डिंग स्पीड मैक्सिमम 30 FPS और वर्किंग टेम्परेचर 0 to 60 डिग्री, स्टोरेज टेम्परेचर -20 डिग्री to 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर प्लेयर की बात करें तो आप विंडोज़ मीडिया प्लेयर पर इसे प्ले कर सकते हैं, रियल प्लेयर, स्टॉम कोडेक और BLC मीडिया प्लेयर पर आप इसे ईजिली प्ले कर पाएंगे। और मेनू लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और चाइनीज दोनों लैंग्वेज में इसके आपको मेनूज देखने को मिल जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, विंडो XP, विंडो 2000, विंडो विस्टा, विंडो 7 एंड विंडो 10, इस पर आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये हो गई बॉक्स की बात, और बॉक्स के अंदर देखते हैं इसके अंदर किस तरह की पैकिंग हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप हल्के से स्लाइड करेंगे तो इसके अंदर हमें एक छोटा सा बॉक्स और देखने को मिल जाएगा, ब्लैक कलर का बॉक्स है। और इसको कर लेते हैं ओपन, तो इसके अंदर हमें एक और बॉक्स देखने को मिल जाता है। और इस बॉक्स को भी कर लेते हैं हम ओपन और देखते हैं क्या क्या हमें इसमें मिलता है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले हमें मिल जाता है यूज़र मैनुअल, और इसके अंदर आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, कैसे आपको इस कैमरे को यूज़ करना है और क्या क्या इसके फंक्शन है, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हो। इसे हम रख देते हैं साइड, और इसके अंदर एक हमें मिल जाता है ये चार्जिंग केबल, एक साइड नॉर्मल USB है और दूसरी साइड दे रखा है माइक्रो USB कनेक्टर। तो ये चार्जिंग केबल इसके साथ आई हुई है, आप किसी भी एडाप्टर से, मोबाइल के किसी भी चार्जिंग एडाप्टर से इसे चार्ज कर सकते हैं, या फिर आप अपने जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसके USB पोर्ट से भी इसे चार्ज कर सकते हैं। इसे साइड में रख देते हैं। और इसके अंदर फिर से हमें मिलता है एक पाउच, और इस पाउच को ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमें मिल जाएगा हमारा चश्मा, जिसे ये हैं इसके ग्लासेस, आप देख सकते हो। इसे साइड रख देते हैं, और इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, एक ये लेंसेज को क्लीन करने के लिए कॉटन दिया गया है, इसे हम रख देते हैं साइड। अब आप बात कर लेते हैं इसकी चश्मे की,
कैसा चश्मा है। जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया था, लगा के भी दिखाया था इसे, तो आप देख सकते हो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लुक वाइज बढ़िया लग रहा है। देख सकते हो आप इसे, इसी इस तरह से ओपन हो जाएगा। और इसके अगर लेंस पावर की बात करें तो जीरो पावर का है, या कोई भी, चाहे आपकी आईसाइट वीक हो नहीं हो, आप कोई भी इसको लगा सकता है। आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, तब भी आप इससे रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसे हमें ऑपरेट कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सामने से आप देखोगे आपको इस तरह से कुछ भी पता नहीं लगेगा, लेकिन मैं दिखा देता हूँ आपको जो हिडन कैमरा और हमारा माइक्रोफोन कहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको दो होल्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही दो होल्स हमें इस साइड मिल जाते हैं। तो इनमें से किसी भी एक होल में कैमरा लगा हुआ और एक में माइक लगा हुआ है, लेकिन डिज़ाइन को सेम दिखाने के लिए दोनों साइड इसमें होल लगा रखे हैं, जिससे किसी को डाउट ना हो। सबसे नीचे इस साइड आपको दिख रहा है चार्जिंग पोर्ट, यहाँ से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। किसी भी USB जो इसके साथ चार्जिंग केबल आई है उससे आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और इस साइड और कुछ भी नहीं है। और उसके नीचे, सबसे नीचे आप ये, आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमें एक छोटा सा ये बटन आप देख रहे हो, यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है छोटा सा, ऑन ऑफ कर सकते हैं। बताऊँगा मैं कैसे ऑपरेट करना है। और मैंने अभी जो माइक्रो USB कार्ड लगा रखा है 256 MB का लगा रखा है, मैं दिखा देता हूँ आपको SD कार्ड कहाँ लगाना है। तो सबसे पहले आपको इसको करना है बंद। तो यहाँ पर इस साइड में आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे हम यहाँ बंद करेंगे तो यहाँ पर एक स्लॉट दी गई है जहाँ पर आप SD कार्ड लगा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा रखा है। तो यहाँ तो ये आप देख सकते हो, मैंने अभी 256 MB का लगा रखा। आप यहाँ पर 32 GB तक का कार्ड लगा सकते हो, उसे ये सपोर्ट करेगा। और इसको बस अंदर की तरफ हमें इंसर्ट कर देना है, और इंसर्ट करने के बाद आप इस तरह से देख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ इसको हमें ऑन कैसे करना है। तो सबसे पहले जैसे ही आपको ये रिसीव होगा, उससे सबसे पहले आपको इसे करना है फुल चार्ज। जब इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तब आपको इसे यूज़ करना है। और यूज़ करने के लिए आपको करना क्या है, पहले आपको इस बटन को कुछ सेकंड तक प्रेस करके रखना है। जैसे आप इसको कुछ सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो इसकी जो यहाँ पर एक इंडिकेटर है, लाइट है, वो ग्लो होने लगेगी रेड कलर की। मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैं इसे प्रेस करता हूँ कुछ सेकंड तक इस बटन को, देखिए तो ये जो LED है, ये LED ग्लो करने लगेगी कंटिन्यूस। जैसे अभी ग्लो कर रही है तो इसका मतलब इसकी पावर हो गई है ऑन। अब आपको अगर रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, तो उसके लिए आपको इसे फिर से 2 सेकंड के लिए प्रेस करना है, होल्ड करना है, और उसके बाद इसे छोड़ देना है। तो ये जो रेड LED है ये 3 बार ब्लिंक होगी और उसके बाद बंद हो जाएगी। इट मीन्स आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो मैं इसको फिर से 2 सेकंड के लिए प्रेस करता हूँ, ये देखिए 3 बार ये ब्लिंक हुई और उसके बाद बंद हो गई। इसका मतलब अब हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है और किसी को पता भी नहीं लगेगा, कोई भी इंडिकेशन नहीं आ रहा है। अब आप इसको लगाकर कुछ भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं इससे रिकॉर्डिंग करके देखता हूँ अभी। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये है इस चश्मे के कैमरे से रिकॉर्डिंग। देख सकते हो क्वालिटी कैसी आ रही है, साथ ही साथ जो वॉइस आप मेरी सुन रहे हो वो भी इसी कैमरे के माइक से हो रही रिकॉर्डिंग है ये। तो आप देख सकते हो इसकी वीडियो और ऑडियो क्वालिटी किस तरह की आती है। आप इससे किसी की भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वो भी किसी को बिना पता चले, किसी को पता भी नहीं चलेगा और उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। जैसे कहीं पर कोई गलत काम हो रहा हो या कुछ हो रहा हो तो आप इससे बहुत ही आराम से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। साथ ही साथ आप इससे कुछ फोटोग्राफ्स भी क्लिक कर सकते हो। काफ़ी यूजफुल चश्मा मुझे लग रहा है, आप देख सकते हो। और अब आपको अगर इसमें अगर आपको फ़ोटो क्लिक करनी है, फ़ोटो क्लिक करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। एक बार आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक बार ये रेड LED ग्लो करेगी, इट मीन्स आपका फ़ोटो क्लिक हो गया। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे, ऐसे कर दीजिए, तो आपका जो फ़ोटो है वो क्लिक हो जाएगा। और आपको वीडियो रिकॉर्डिंग अगर बंद करनी है तो फिर से आपको कुछ सेकंड के लिए इसे प्रेस करना है, तो आपको यहाँ पर हल्की सी ब्लू लाइट दिखाई देगी और बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो चुकी है। मैं इसको फिर से प्रेस करके रखता हूँ 2 सेकंड तक। अब ये हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो गई है, रिकॉर्डिंग हमारी बंद हो गई। तो इस तरह से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं।
और जब ये आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सिंपली आपको जो इसके साथ केबल आई हुई है, माइक्रो यूएसबी केबल जो आई हुई है, उसे आपको यहाँ लगाना है और अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना है, जैसे किसी पेन ड्राइव को आप कनेक्ट करते हैं, और वहाँ पर जो आपका वीडियो है वो अप डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद आप इसे अपना जो वीडियो है उसे प्ले करके देख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है, कोई भी इसमें वैसी दिक्कत है नहीं। तो मुझे इसके अंदर एक ही प्रॉब्लम लग रही है कि इसकी जो बैटरी है वो काफ़ी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, बस ये दिक्कत है, बाकी तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको कहीं इस टाइप के कोई भी ऑपरेशन करना हो या जैसे कि कोई सीक्रेट आपको रिकॉर्डिंग करनी हो तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन कैमरा है ये, बहुत ही बेहतरीन हिडन कैमरा है। तो दोस्तों आपको ये जासूसी चश्मा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।